तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज द टेट्रापॉड एंड लिम्स डेवलपमेंट का. इसमें मेनली आपको बहुत डिटेल में पूछा नहीं जाता है कि क्या चीज़ें डेवलप होती हैं, कैसे होती हैं. मेनली जीन्स पे फोकस किया जाता है, तो हम भी उन्हीं जीन्स पे फोकस करके समझने की कोशिश करेंगे कि लिम्स में कौन कौन से जीन्स काम आते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टेट्रापॉड लिम्ब डेवलपमेंट की, तो बात आती है वॉट आर टेट्रापॉड्स एज वेल एज वॉट आर लिम्ब्स. टेट्रापॉड उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं जिसके पास फोर लेग्स होते हैं. ओके, टेट्रा मीन्स फोर, पॉड मीन्स दैट इज द लेग्स. तो टेट्रापॉड्स यानी फोर लेग्स जिनके पास होते हैं. अब ये फोर लेग्स हो सकते हैं दो लेग एंड दो हैंड के फॉर्म में, दो विंग्स एंड दो लेग के फॉर्म में, या फिर फोर लेग्स के फॉर्म में. और ये हमें देखने को मिलता है एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, मैमल्स में. मेजर ग्रुप ऑफ लाइक ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो टेट्रापॉड की कैटेगरी में आते हैं. लाइक एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स, मैमल्स, रैट, फ्रॉग, चिक, इन सब के पास अगर आप देखोगे तो उनके पास आपको टोटल फोर दैट इज योर लिम्ब्स देखने को मिलेंगे. ओके, जब हम लिम्स की बात करते हैं तो वेरी ऑब्वियस उनके एक्सेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर हम एक्सेस को समझेंगे तभी ये समझ पाएंगे कि कौन सी जीन्स कहाँ पे हेल्प कर रही हैं. तो सबसे पहले अगर एक्सेस की बात करते हैं तो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, इसको मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि इसको ऐसे याद रख सकते हो, पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर पास, ओके, एंड डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर. यानी बॉडी का जो सबसे पास वाला हिस्सा है, मतलब अगर आप शोल्डर को कंसीडर करते हैं तो ये हो जाएगा प्रॉक्सिमल पार्ट, और अगर आप अपने फिंगर को कंसीडर करते हैं तो वो फिंगर आपकी बॉडी से काफ़ी दूर है, दैट इज़ डिस्टल का पार्ट. तो सिमिलरली अगर यहाँ पे कहा जाए तो ये वाला पार्ट जो होगा दैट इज़ शोल्डर वाला एरिया, वो बॉडी के सबसे पास वाला पार्ट होगा, राइट. यानी अगर मैं इस लेग के फॉर्म में समझाऊँ तो दिस विल बी द प्रॉक्सिमल पार्ट, दिस विल बी द डिस्टल पार्ट. सिमिलरली हैंड के लिए भी ऐसे ही अप्लाई होता है, तो इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल पार्ट. अगर शोल्डर अटैच है जिस पॉइंट से वो हो जाएगा दैट इज प्रॉक्सिमल, और फिंगर या टो जिस जगह पे है वो कहलाएगा डॉर्सल. नेक्स्ट आता है एंटीरियर पोस्टीरियर. अगर हम लिम्ब्स के केस की बात करते हैं तो लिम्ब्स में एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होता है, अगर आप इस तरीके से हैंड बनाते हो, ठीक है, दिस इज अ थंब, और अगर आप ऐसे करके हैंड बनाते हो, फाइन, तो दिस इज अ थंब एरिया. थंब वाला एरिया एंटीरियर होता है एंड पिंकी फिंगर वाला जो है दैट इज पोस्टीरियर कहलाता है. ओके, दिस इज व्हाट द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस. जहां पर थंब है दैट विल बी द एंटीरियर पार्ट, एंड पिंकी फिंगर, पी फॉर पिंकी, पी फॉर पोस्टीरियर, तो पिंकी फिंगर वाला पार्ट दैट विल बी द पोस्टीरियर वन. फिर आता है डॉर्सल वेंट्रल. डॉर्सल वेंट्रल क्या होता है, आपका जो पाम होता है यानी हथेली जो होती है दैट इज द वेंट्रल पार्ट, और जो नकल्स वाला एरिया होता है जिस पोर्शन में आपको नेल्स देखने को मिलते हैं हाथ का, वो वाला पोर्शन कहलाता है डॉर्सल. तो इस ढंग से हमने देखा व्हाट इज प्रॉक्सिमल डिस्टल, व्हाट इज एंटीरियर पोस्टीरियर, व्हाट इज डॉर्सल एंड वेंट्रल. इन सबको बनाने वाली भी कुछ जीन्स होती हैं जो टेट्रापॉड में हेल्प करती हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेरी ऑब्वियस बॉडी में लिम्ब फील्ड का स्पेसिफिकेशन होता है, मतलब किस जगह पे बॉडी में लिम्ब्स का बनना फिक्स होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि किसी भी जगह से शुरू हो जाएगा, राइट. तो इस लिम्ब फील्ड को स्पेसिफाई करने में तीन टाइप के जीन्स हेल्प करती हैं. पहला होता है रेटिनोइक एसिड, जो कि विटामिन ए से डिराइव किया जा सकता है, ये एक मॉर्फोजेंस की तरह भी काम करता है. सेकेंड इज द हॉक्स जीन, जो कि मेनली पैटर्निंग्स को कंट्रोल करता है. थर्ड इज द टीबीएक्स जीन, जिसे हम टी बॉक्स जीन भी कहते हैं. ये जीन इस बात का डिसीजन लेता है कि जो लिम्ब्स डेवलप हो रहा है वो हैंड में डेवलप होगा या फिर लेग्स में डेवलप होगा, यानी वो फोर लिम्ब में होगा या फिर हाइंड लिम्ब में होगा. मेक श्योर जो हैंड वाला एरिया है या फिर जो आप कह सकते हो फ्रंट लिम्ब होता है बॉडी का, उसे हम कहते हैं फोर लिम्ब, ओके. और जो बैक लिम्ब होता है इसे हम बोल सकते हैं दैट इज योर हाइंड लिम्ब. जैसे हमारे केस में हमारा हाथ वो हमारा फोर लिम्ब है और हमारा लेग हाइंड लिम्ब है. सिमिलरली बर्ड्स के केस में जो उसके विंग्स होते हैं वो उसके फोर लिम्ब हो जाएंगे, जो लेग्स हैं दैट विल बी द हाइंड लिम्ब, ओके. तो इस ढंग से आप समझ सकते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब के बेसिस पे, क्योंकि इन सारे वर्ड्स के बेसिस पे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके. तो सबसे पहली बात आती है कि रेटिनोइक एसिड काम क्या करता है. तो रेटिनोइक एसिड को देखा गया है कि एक मॉर्फोजन की तरह काम करता है और एक हेंसन नोड वाला एरिया होता है दैट इज इन केस ऑफ अ बर्ड. हेंसन नोड यहाँ पे ऑर्गेनाइजर की तरह काम करता है,
ऑर्गेनाइजर का मीनिंग होता है जो मैक्सिमम बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करे। ये ऑर्गेनाइजर से दैट इज हेंसन नोड से प्रोड्यूस होता है। हेंसन नोड से रेटिनॉइक एसिड प्रोड्यूस होता है, फिर वो हॉक्स जीन को एक्टिवेट करता है। हॉक्स जीन के एक्टिवेशन के बाद हॉक्स जीन टीबीएक्स जीन को एक्टिवेट करता है एंड हेंस लिम्फ फील्ड का स्पेसिफिकेशन होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिम्फ फील्ड का स्पेसिफिकेशन? लिम्फ फील्ड का स्पेसिफिकेशन का मतलब हो गया कि वो वाला एरिया हैंड में चेंज होगा या लेग्स में चेंज होगा, इस बात का डिसीजन होता है। क्योंकि टीबीएक्स जीन का एक्सप्रेशन डिफरेंट टाइप से हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा टीबीएक्स जीन एक्सप्रेस हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग कभी हैंड बनता है और कभी लेग बनता है, डिपेंडिंग कि किस एरिया की बात हो रही है। देखने को एक्सपेरिमेंटली ये मिला है कि अगर रेटिनॉइक एसिड का प्रेजेंस एक जगह से हटा दिया जाए तो लिम्ब का डेवलपमेंट रुक जाता है, सीज जाता है, यानी लिम्ब प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाता है। तो अगर हम टी बॉक्स जीन की बात करें जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्पेसिफिकेशन के लिए कि अगर लाइक जो एरिया लिम्ब में डेवलप होने वाला है वो हाइंड लिम्ब होगा या फोर लिम्ब होगा, तो टी बॉक्स जीन दो टाइप के होते हैं, टीबीएक्स 5 जीन एंड टीबीएक्स 4 जीन। ओके, TBX5 जीन विंग्स का डेवलपमेंट करवाता है जो कि फोर लिम कहलाता है। TBX4 जीन लेग्स का डेवलपमेंट करवाता है जिसे हम हाइंड लिम कहते हैं। इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखिए 4 को आप 4 प्रोनंशिएट करते हैं, सिमिलरली FOR को भी 4 ही हम प्रोनंशिएट करते हैं। तो मेक श्योर TBX4 कभी फोर लिम नहीं बनाता, मतलब जैसा नाम है वैसा ही प्रोनंशिएट होने वाला लिम्ब ये नहीं बनाता है। इस ढंग से आप याद रख सकते हैं कि TBX4 फोर लिम नहीं बनाता तो वेरी ऑब्वियस वो हाइंड लिम बनाता होगा एंड TBX5 एक अपोजिट हो गया तो वो बनाएगा फोर लिम। इस ढंग से आप याद रख सकते हो कि TBX5 फोर लिम बनाएगा, TBX4 हाइंड लिम बनाएगा जिसे हम लेग कहते हैं एंड फोर लिम को हम विंग्स कहते हैं। अब यहाँ पे चला आता है पूरी की पूरी समरी कि लिम के डेवलपमेंट में कौन सी चीजें कैसे हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जब भी हम लिम की बात करते हैं तो लिम में दो चीजें होती है, यानी अगर आप अपने हाथ को देखो तो वेरी ऑब्वियस हाथ में मसल्स होंगे एंड स्केलेटल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, मसल्स को बनाने का काम नॉर्मल लिम की अगर हम बात करें तो लिम का ओरिजिन क्या होता है, दैट इज मेसोडर्म होता है। ये मेसोडर्म से मिलकर बना होता है। अब मेसोडर्म आपको बार बार बताने की तो जरूरत है नहीं कि मेसोडर्म एक टाइप का जर्म सेल होता है जो अभी हमने कुछ टाइम पहले ही दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस देखा था कि मेसोडर्म एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म फॉर्म होते हैं। तो मेसोडर्म से ही लिम का फॉर्मेशन होता है। लिम में भी हमें मसल्स देखने को मिलते हैं एंड स्केलेटल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो मेसोडर्म के यहाँ पे दो फॉर्म पाए जाते हैं, एक होता है मसल्स, एक होता है स्केलेटल स्ट्रक्चर। जो चीजें मसल फॉर्म करती हैं एंड स्केलेटल स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं उनका भी नेचर कैसा होता है, दैट इज मेसोडर्मल ही होता है। तो देखने को यहाँ पे ये मिलता है कि जो यहाँ पे मसल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, मसल्स के फॉर्मेशन को जो नॉर्मली करता है यहाँ पे, उसे हम अ टाइप ऑफ मेसोडर्मल ही बोलते हैं, मेसोडर्मल सेल ही बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सोमाइट्स। ओके, सोमाइट्स इज अ टाइप ऑफ अ मेसेनकाइमल पोर्शन और मेसेनकाइमल सेल जो कि मसल्स बनाने का काम करता है हमारी बॉडी में। और स्केलेटल स्ट्रक्चर कौन बनाता है, दैट इज लेटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म, लेटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म जिसे हम LPM कहते हैं। और इन इन दो टाइप के मेसोडर्म की हेल्प से कंप्लीट तरीके से लिम का फॉर्मेशन होता है जिसमें कि हमें मसल्स भी देखने को मिल रहा है एंड स्केलेटल स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा है। तो मेक श्योर यहाँ पे LPM स्केलेटल स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है एंड मसल्स को फॉर्म करने वाले मेसेनकाइमल सेल को हम कहते हैं दैट इज सोमाइट्स। तो ये मेसोडर्म को हम मेसेनकाइमल टिश्यू भी कहते हैं। ओके, तो ये तो हो गई लिम्ब की बात। अब जब एक लिम्ब को हम बनाते हैं, वेरी ऑब्वियस, ऑल दो मेरा डायग्राम थोड़ा फनी हो जाएगा बट एनीवेज आई एम ट्राइंग। ओके, सपोज कर लीजिए दिस इज अ दैट इज अ टाइप ऑफ अ लिम्ब, ओके, जो कि मैंने हैंड को बनाया है यहाँ पे। अब वेरी ऑब्वियस हैंड अगर हम बनाते हैं तो मान लीजिए ये है, इसमें इस वाले एरिया में नेल्स हैं। ओके, दिस इज अ नेल एरिया। तो जो पोर्शन थंब बनाएगा, ओके, जो पोर्शन थंब बनाएगा उसे हम कहेंगे एंटीरियर, जो पोर्शन पिंकी फिंगर बनाएगा उसे हम कहेंगे पोस्टीरियर। ठीक है, जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये कहलाएगा डॉर्सल
और जो पाम वाला पोर्शन है, अंदर वाला पोर्शन होगा, वो कहलाएगा दैट इज वेंट्रल। तो ये डॉर्सल वेंट्रल एक्सेस बनाया कौन है? ऑब्वियसली कोई ना कोई पोर्शन बनाएगा। सिमिलरली अगर हम बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी में जब हैंड का डेवलपमेंट होता है, सपोज कीजिए दिस इज अ बॉडी एक्सेस, ठीक है, अब यहाँ से एक हैंड बनेगा इस तरीके से, ठीक है, ये यहाँ पे हैंड बनेगा, तो ये वाले एरिया को हमने कहा प्रॉक्सिमल और ये वाले एरिया को हमने कह दिया डिस्टल। तो ये सब भी कोई ना कोई बनाएगा, राइट। साथ ही साथ हैंड भी बनेगा, लेग भी बनेगा, यानी फोर लिम भी बनेगा, हाइंड लिम भी बनेगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे काम करते हैं। हाइंड लिम बनाने वाले फैक्टर को हम बोलते हैं TBX4, ओके। फोर लिम बनाने वाले जीन्स को हम कहते हैं TBX5। एंटीरियर पोस्टीरियर जो एक्सेस डिफाइन करता है उसे हम कहते हैं जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी, जो कि प्रोड्यूस करता है सोनिक हेजहॉग। सोनिक हेजहॉग का कंसंट्रेशन जो है हाई रहता है दैट इज पोस्टीरियर एरिया में, यानी पिंकी फिंगर बनाने में सोनिक हेजहॉग हेल्प करता है। इसका कंसंट्रेशन काफ़ी हाई पाया जाता है पोस्टीरियर एरिया में, एंड थंब एरिया तक ज़्यादा जाता है इसका कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, जिसकी वजह से थंब एरिया बनता है। तो पिंकी फिंगर बनाने के लिए सोनिक हेजहॉग का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई की ज़रूरत होती है, और ZPA ही सोनिक हेजहॉग को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आता है डॉर्सल वेंट्रल एक्सेस कौन बनाता है। तो डॉर्सल वेंट्रल एक्सेस बनाने वाले फैक्टर को हम बोलते हैं W27A। W27A क्या करता है, W27A मेनली डॉर्सल एक्सिस बनाता है, और जहाँ पे W27A नहीं रहता है वो वाला एरिया वेंट्रल बन जाता है। तो W27A प्रेजेंट रहेगा तो वहाँ पे डॉर्सल एक्सिस का फॉर्मेशन करेगा, ओके। नेक्स्ट प्रॉक्सिमल डिस्टल बनाने का काम किसका होता है, रेटिनोइक एसिड, WNT एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। ये तीनों अगर रहते हैं तो वेरी ऑब्वियस प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एक्सिस का फॉर्मेशन होता है। मेनली देखा जाता है कि रेटिनोइक एसिड का काम होता है प्रॉक्सिमल एक्सिस को बनाना। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या बनता है कि वेरी ऑब्वियस अगर रेटिनोइक एसिड रहेगा तो एक एरिया को तो प्रॉक्सिमल में चेंज करेगा, और जहाँ पे नहीं रहेगा वो वाला एरिया डिस्टल बन जाएगा। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि रेटिनोइक एसिड अगर रहता है तो प्रॉक्सिमल बनाएगा, नहीं रहता तो आपको पता है प्रॉक्सिमल एक्सिस नहीं बनेगा। अब अगर हम बात करते हैं दैट इज लिम्स की, तो वेरी ऑब्वियस यहाँ पे मैंने एक पिक्चर दिखाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बोन्स लेवल पे, ओके, बोन्स लेवल पे अलग अलग टाइप के बोन्स है, जैसे कि जो सबसे प्रॉक्सिमल एरिया में पाया जाता है उसे हम बोलते हैं ह्यूमरस बोन। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए जूलॉजी के टर्म में तो इसे हम कहते हैं स्टाइलोपॉड। बीच में जो ये बोन्स होते हैं उनको हम कहते हैं जीगोपोड, एंड टर्मिनल एरिया पे जो होते हैं इसे हम बोलते हैं ऑटोपोड। स्टाइलोपोड में ह्यूमरस बोन आता है, जीगोपोड में अल्ना रेडियस आता है, ऑटोपोड में मेटाकार्पल एंड डिजिट्स देखे जाते हैं। अब ये बनाता कौन कौन है, तो अगर हम बात करते हैं स्टाइलोपॉड की, तो स्टाइलोपॉड को बनाने वाले जो यहाँ पे जीन्स होते हैं उसे हम बोलते हैं HOX 9 एंड 10। जो जीगोपोड को बनाएंगे जो जीन्स उसे हम कहते हैं हॉक्स 11, और ऑटोपोड को बनाने वाले जीन्स का नाम होता है दैट इज हॉक्स 12 एंड 13। तो ये सारे जीन जो हैं अलग अलग एरिया को बनाने का काम करते हैं। हॉक्स जीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जब हम इस ढंग से इनकी पैटर्न ही देखते हैं कि बोन्स कैसे कैसे बन रहे हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ऑटोपोड कैसे बनता है, जीगोपोड एंड स्टाइलोपॉड। अब आता है क्या कि जब स्टार्टिंग में लिम्स बनता है तो जो लिम्स के बीच में जो स्पेस होता है, यानी आपकी उंगलियों के बीच में जो स्पेस है, जो डिजिट्स के बीच में जो स्पेस है, वो स्टार्टिंग से ही नहीं होता है, वहाँ पे स्पेस बनाना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में जब लिम्स का फॉर्मेशन होता है तो वो डिजिट्स अलग नहीं रहते हैं, वो कंबाइन रहते हैं टिश्यू की हेल्प से। तो वहाँ पे क्या ज़रूरत होता है कि वहाँ पे अपोप्टोसिस करवाया जाए। अब अपोप्टोसिस करने के लिए, यानी डिजिट्स को प्रॉपरली फॉर्म करवाने के लिए BMPs प्रोटीन काम करते हैं, दैट इज बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन्स का वहाँ पे काम लिया जाता है, और ये जीन्स जो होती हैं BMPs प्रोटीन जो होती हैं वो वहाँ पे अपोप्टोसिस करवाने में हेल्प करती हैं, और इस ढंग से जो है डिजिट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट अगर ऑर्गेनाइजर की बात करें कि मैक्सिमम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो वो होगा हैंसन नोड। सो हैंसन नोड इन केस ऑफ द बर्ड एक्ट लाइक अ ऑर्गेनाइजर। मेक श्योर ये लिम डेवलपमेंट हमने मेनली फोकस किया है बर्ड के केस में, ठीक है। मैमल्स का भी यहाँ पोर्शन एडेड है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजर की हम बात करें हैंसन नोड में, तो ये हम बात कर रहे हैं बर्ड्स की, ओके। तो इसको आप मैमल्स के मामले में कहाँ कहाँ तक कंसीडर कर सकते हैं, मेनली जीन्स को लेकर कंसीडर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजर वाला कंसेप्ट स्पेसिफिकली जो है बर्ड्स के लिए था। तो ये थी कहानी लिम्ब डेवलपमेंट की, कि लिम्ब का एक्चुअल में फॉर्मेशन कैसे होता है।